जो अब है ये नेक्स्ट अशोका। तो अशोका में क्या है कि अशोका द ग्रेटेस्ट मॉडर्न किंग। अशोका भी किस से जाने जाते हैं कि एक बहुत ग्रेटेस्ट, बहुत ही बड़ा जिन्होंने साम्राज्य अपना चलाया था, तो वो एक मॉडर्न किंग, वो भी एक मतलब मॉडर्न किंग ही थे, जैसे कि हमें पता लगा है अभी जो हमने पढ़ा था अभी। तो कैसे कि क्योंकि वो बिंदुसारा के बेटे थे अशोका, ठीक है। और जो बिंदुसारा थे वो किसके बेटे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इनका जो मौर्यन साम्राज्य था उसमें इनका भी एक बहुत ही ग्रेटेस्ट रोल था, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर में से ये भी जाने जाते हैं इन हिस्ट्री। ही इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज अशोका द ग्रेट, ये इनको एक टाइटल भी मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन कम्स फ्रॉम द वेरियस रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स दैट ही सेट अप इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। इनके बहुत सारे जो है पिलर भी, पिलर रॉक पिलर जो है एडिक्ट सेट हुए हुए हैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इनके जो एम्पायर था उस वक्त उसमें, ठीक है। और फिर क्या है उसमें क्या लिखा हुआ है, इनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसमें बहुत सारे मैसेजेस दे रखे हैं कि ये इनके जो आइडियाज़ थे या इनके बारे में जो भी है वो सब चीज़ें बता रखी है उसमें, ठीक है। सो अब क्या है इसमें, बिंदुसारा जो हैं उनके जो फादर हैं, ठीक है, बिंदुसारा द फादर ऑफ अशोका। बिंदुसारा किसके पापा हैं, किसके फादर हैं, अशोका के हेड। ऑलरेडी उन्होंने पहले से ही एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है सेटअप कर रखा था। अशोका गवर्न, अशोका ने क्या किया है, बस वो गवर्न किया है उनका जो वास्ट एम्पायर जो था, वेल सेटल्ड जो था वो एम्पायर उन्होंने गवर्न किया। ही ऑल्सो एनेक्स्ड द किंगडम ऑफ कलिंगा एंड ब्रॉड इट अंडर हिज रूल। पहले कलिंगा जो कि कौन क्या था, ओडिशा, जो कि बिंदुसारा जिसको अपने रूलर में नहीं ला पाए थे उस वक्त, उनके एम्पायर में शामिल नहीं कर पाए थे, तो वो भी किसने किया था, एनेक्स्ट किया था किसने, अशोका ने। नेक्स्ट है कलिंगा वार। तो कलिंगा वार, कलिंगा वॉज अ, आप क्योंकि जैसे हम क्या हम जानते हैं कि जो कलिंगा जो कि पहले बोला जा मतलब सॉरी आज हम उसको जाना जाते हैं किससे, ओडिशा के नाम से। तो जो कलिंगा है उसके लिए भी एक वॉर हुआ था, और वो जो वॉर था वो एक पावरफुल किंगडम था कलिंगा। तो उसका जो वॉर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एरिया, वो एक क्या था, इम्पॉर्टेंट एरिया था, क्यों था, इट हैड एक्सेस टू द सी एंड कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट्स टू साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इन अबाउट 260 BCE अशोका अटैक्ड कलिंगा एंड वॉज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग इट अंडर हिज रूल। ओके, दिस बैटल वॉज वेरी ब्रूटल, बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई हुई थी, ये जो युद्ध था ये बहुत ही खतरनाक था, डेंजर था। अशोका वॉज सो डिस्टर्ब, अशोका जो थे बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे इस बैटल के बाद और बहुत दुखी हो चुके थे दिस वॉर, दैट ही डिसाइडेड टू गिव अप वॉयलेंस। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड कर दिया कि अब जो जो लड़ाई झगड़ा है ये बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने फिर क्या सोच लिया, उन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे डिवोटेड बनना है, मुझे फॉलोवर बनना है किसका, बुद्धिज्म का। दिस वॉर वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन अशोकास लाइफ। नेक्स्ट है, अशोका वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म एंड ही वॉज डीपली इंस्पायर्ड इट। अशोका जो थे वो बुद्धिज्म को फॉलो करने लग गए और वो बहुत ज़्यादा डीपली इंस्पायर्ड हुए इस चीज़ से। एट द सेम टाइम ही ऑल्सो रेस्पेक्टेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दूसरे धर्म को छोड़ दिया या दूसरे धर्म का अपमान कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो उनके भी रेस्पेक्ट करते थे। पीपल वर फ्री टू फॉलो वॉट एवर रिलीजन दे लाइक, बट दे हैड टू रेस्पेक्ट ऑल। ऐसा मतलब उनका एक ये रूल था कि है ना, भले आप कोई से भी धर्म को मानते हो लेकिन आपको रेस्पेक्ट करना है सारे धर्म को। अशोका सेंट, अशोका ने भेजे बहुत स्कॉलर्स भेजे जो कि जो मैसेज है बुद्धिज्म का वो स्प्रेड कर सके वो सब जगह। तो उनके मैसेंजर्स जो थे वो
वो ट्रैवल करते थे इंडिया में नहीं बल्कि इजिप्ट, साइरिया और ग्रीस में भी। उनके जो बेटे थे महेंद्र और जो बेटी थी संघमित्र, वो गए श्रीलंका। वहाँ पे उन्होंने जो है बुद्धिज्म का बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो फैलाया उन्होंने। ही सेट अप स्तूपास एंड विहारास फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए उन्होंने ये सब भेजा। ही लेड द फाउंडेशन फॉर द सांची स्तूपा, उन्होंने स्टार्ट किया फिर सांची स्तूपा। और ही ऑल्सो कन्वेड अ बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्र। धम्मा इज अ प्राकृत वर्ड, धम्मा क्या है, एक प्राकृत वर्ड है। संस्कृत के लिए एक टर्म है जो कि धर्म जिसको कहा जाता है, इसका मतलब है रिलीजियस ड्यूटी, मतलब कि यही तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा धर्म है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ अशोकास धर्म प्रीस्ट द राइट वे ऑफ लाइफ और कोड ऑफ कंडक्ट, इट डिडंट इन्वॉल्व वर्शिप, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप इन किसी भी भगवान की आप मतलब अगर डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर ये है कि आपको बस अच्छा बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, मतलब जो इंसानियत टाइप होता है ना। धर्म क्या कहता है, नॉन वायलेंस कहता है, रेस्पेक्ट कहता है, टॉलरेंस कहता है, मतलब सहन करो, रेस्पेक्ट करो और लड़ाई झगड़े ये नहीं करना है, शांति में ही रहना है, ठीक है। तो यह था अशोका के धर्म। और कुछ और भी हैं जिसमें क्या है, पीस एंड हारमोनी, सब लोग साथ रहें, शांति से रहें, रेस्पेक्ट करें सबकी, सारे धर्म की, और ओबे मतलब कि बात माने बड़ों की, उनकी रेस्पेक्ट करें, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनके प्रति, और हमेशा सच बोलें, और हमेशा अच्छे मतलब काइंड नेचर होना चाहिए, अच्छा स्वभाव होना चाहिए, अच्छा बिहेव होना चाहिए, चाहे वो सर्वेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो स्लेव्स ही क्यों ना हो। अशोका उसे चाहते थे कि जो लोग हैं वो समझे और फॉलो करें धर्म को, कि उनका धर्म क्या कहता है ये चीज़। ही अपॉइंटेड स्पेशल ऑफिसर्स, उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया जो कि महामंत्रास थे धर्म के, वो भी जिसमें कि क्या था, ये मैसेज था कि मतलब वो जो महामंत्र जो थे, महामंत्रास जो थे धर्म के, वो उसमें ये था कि हु वर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ धर्म अमोंग द पीपल, ठीक है। नेक्स्ट अशोका, अशोका के नाम से जो है रोड बिल्ड हुए और ट्रीज प्लांट हुई, कहाँ पे, अलोंग द साइड्स ऑफ द रोड शेड, ताकि अगर कोई यात्री आए जाए किसी भी धर्म के हो भले, तो वो उनको छाया मिल सके। और रेस्ट हाउस भी कंस्ट्रक्ट हुए ट्रैवलर्स के लिए, हॉस्पिटल्स बनाए गए लोगों के लिए, एनिमल्स, वेल खुदवाए गए, कैनाल बनाए गए। तो ये सब चीज़ें जो वेलफेयर थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके लिए, जो उन्होंने लोगों के लिए किया था। अशोकन एडिक्ट्स, अब इसमें क्या है कि जो लोकेशंस और जो लैंग्वेजेस है ये बताई गई है। तो एडिक्ट्स आर रॉयल ऑर्डर्स और प्रोक्लेमेशन, द अशोकन एडिक्ट्स जो थे, जो कि रॉक थे और स्टोन पिलर्स और केव्स, जिस जो कि अलग अलग जगह एम्पायर जो था अशोका का वहाँ पे बनाए गए थे, क्यों, फॉर स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ धर्म, ठीक है। हिज एडिक्ट्स हैव बीन फाउंड नॉट ओनली इन इंडिया, उनके जो ये जो एडिक्ट्स जो थे, ठीक है, ये इंडिया में ही नहीं मिले बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, सब जगह मिले। इनके 14 रॉक एडिक्ट्स थे, 7 पिलर्स एडिक्ट्स थे, और कुछ छोटे एडिक्ट्स भी थे अशोका के। बहुत सारे जो एडिक्ट्स थे वो डिस्कवर हुए थे उस वक्त, बहुत सारे मिले थे, मतलब खोजे गए थे। फिर द एडिक्ट्स वर रिटर्न इन लोकल लैंग्वेज, जो भी अशोकन उस वक्त की जो लोकल लैंग्वेज थी वो उसमें मिले थे, उसमें लिखे हुए मिले थे। अशोकन इंस्क्रिप्शन इन पेशवा रीजन आर इन खारोष्टी स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट का नाम क्या था, मतलब वो कौन सा वो था, जो पेशवार जो रीजन है वहाँ पर जो लैंग्वेज चलती होगी, तो वो थी खारोष्टी, और उस स्क्रिप्ट में ही
मतलब उसी लैंग्वेज में वो स्क्रिप्ट ली थी, जिसको क्या कहा था, खारोष्टी स्क्रिप्ट। ठीक है, नियर खंडार द इंस्क्रिप्शन आर इन ग्रीक एंड अरामैक, एल्सवेयर इन इंडिया दे आर इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट, और कहीं ब्राह्मी लैंग्वेज में मिली। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अशोकास एडिक्ट रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डेसिफर्ड इन 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप, अ ब्रिटिश ऑफिशियल। आफ्टर दिस मेजर ब्रेक थ्रू हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स वर एबल टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोका रीजन। मतलब कि जब उस ब्रिटिश शर ने जब वो चीज़ डेसिफर की, ठीक है, तो उसके बाद से ही जो बाकी जो हिस्टोरियंस थे, स्कॉलर्स थे, वो भी फिर अशोका के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने लगे। सॉरी, इन्फॉर्मेशन इन द एडिक्ट्स। तो अब इन्फॉर्मेशन है द एडिक्ट्स ऑफ अशोका, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स था समझने के लिए उन्हें और उनके रीजन के बारे में। दे कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ धर्म, बुद्धिज्म, द वेलफेयर, जो भी उन्होंने एक अच्छे अच्छे काम जो उन्होंने करे हैं रिलीजन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, उन सब के बारे में। जैसे कि वो ये सब चीज़ें, और ऐसा ही नहीं कि वो दूसरों को बता रहे हैं, वो उन्होंने खुद के बच्चों को ये बताया है जो भी उन्होंने सीखा है उनके पापा से, उनके फादर से। अशोका रिफर्ड टू हिमसेल्फ इन हिज एडिक्ट्स एस देवा नाम प्रिय, जिसका मतलब क्या है, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है रेवेन्यू कलेक्शन। अब रेवेन्यू कलेक्शन में क्या है, वी गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम कौटिल्यास अर्थशास्त्र। अब रेवेन्यू कलेक्शन से तो क्या मतलब है, एक फंड की जैसा ही ये साउंड कर रहा है, और अर्थशास्त्र में भी यही है इकोनॉमिक से लेकर, तो उससे हम मतलब क्या जानते हैं देखते हैं। नॉर्थ इंडिया वॉज मैनली एन अग्रेरियन सोसाइटी एट दिस टाइम, एज सच द मॉरन स्टेट गॉट मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम, कहाँ कहाँ से उन्हें क्या क्या चीज़ें मिली, लैंड से, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से। और जो अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे, जो कि लुम्बिनी में थे, वहाँ पर ये मिला, कलेक्शंस मिले, मतलब मैंशंस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस लाइक बाली और भागा, ये दो जो हैं ये टैक्सेस के नेम थे। भागा मतलब तो ये था 1/4 से लेकर 1/6, ठीक है, जो है उनको टैक्स देना होता होगा। और दूसरे का नाम है भागा, वो भी हम देखते हैं कि क्या है। बाली एंड भागा में तो वैसे यही बताया हुआ है इसमें कि जो टैक्सेस जो थे, मतलब उसका एक तरीके से इन्होंने जो है डिवाइडेशन कर रखा था कि आपको 1/4 देना है या 1/6 देना है, ये सब चीज़, ठीक है, जो कि किससे कलेक्ट करते थे, कल्टीवेटर, फार्मर्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन से। रिसोर्सेज वर ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम कॉन्कर्ड एरियाज, जहाँ से भी उन्होंने जीता था ना राज्य या वो जगह जो भी है, तो वहाँ से वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। दीज वर यूजुअली फॉरेस्टेड एरिया, ज़्यादातर वो फॉरेस्टेड एरिया ही रहता था, जैसे जहाँ पर कि प्रोडक्शन होता था किसका, टिम्बर, एलिफेंट्स, सेमी प्रेशियस स्टोन, माइनिंग ऑफ गोल्ड, कॉपर, आयरन वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द वेल्थ। ऐसे ही कुछ रेवेन्यू थे जो कि पब्लिक वर्क से रिलेटेड थे, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ रोड्स, क्योंकि वो जो रेवेन्यू अगर वो कुछ ले रहे हैं तो कहाँ काम लेते थे, पब्लिक वर्क में ही काम लेते थे, जैसे कि बिल्डिंग ऑफ रोड्स, रेस्ट हाउसेस। और कुछ जो थे वो ऑफिशियली पे करते थे किनको, आर्मी को, ठीक है, ताकि उनकी मतलब कि इट वॉज यूज फॉर मेंटेनिंग द आर्मी। आर्मी को अगर वो देंगे तभी मेंटेन रहेगा उनका खाना पीना, उनके जो भी वेपन्स वगैरह थे उसके लिए, ठीक है। मॉरन हैड अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ फुट सोल्जर्स और हॉर्समैन, कैरियर्स, एलिफेंट्स, ठीक है। द आर्मी वॉज लेड बाय द आर्मी कमांडर, जिन्हें सेनापति कहा जाता था। इट हैड मॉरियंस टू प्रोटेक्ट देयर लार्ज एम्पायर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक आर इज मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन। द किंग वॉज एट द सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनिस्टेरियल काउंसिल्स पोजिशन डिपेंड ऑन किंग, हाउ एवर ही वॉज एक्सपेक्टेड टू कंसल्ट हिज मिनिस्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इन मैनी अशोकास
एडिक्ट्स देयर आर मेंशन ऑफ हिम कंसल्टिंग हिज मिनिस्टर। अब देखते हैं कि कैसे कैसे इनका जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसे चला। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो सेंट्रल के बाद था प्रोविंशियल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस, फिर विलेज। तो जो सेंट्रल जो था एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे कौन लोग काम करते थे? मेन एम्परर रहता था, फिर मिनिस्टर्स, फिर ऑफिसर्स, फिर रॉयल फैमिलीज़ के जो मेंबर्स थे वो। फिर जो प्रोविंशियल था उसमें कौन कौन थे? प्रिंस होता था और रॉयल फैमिली के मेंबर्स, ठीक है। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है उसमें कौन था? सीनियर ऑफिशियल्स। और जो विलेजेस के जो ग्रुप हुआ करते थे वहाँ पे कौन होता था? मेन टैक्स कलेक्टर और अकाउंटेंट। और जो विलेज होता था सिर्फ लास्ट में जो विलेज ही बचा, विलेज में कौन हेड होता था? होते विलेज के हेड मैन। तो द साइज ऑफ एम्पायर रिक्वायर्ड द रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब क्या करते थे? धीरे धीरे जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। मतलब ये जो नेम है विलेज का, विलेज हेडमैन, ग्रुप ऑफ विलेजेस का टैक्स कलेक्टर, अकाउंटेंट, ये सब लोग कौन थे? ये इनको मतलब एक तरीके से रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई थी कि आपको यहाँ से टैक्स कलेक्ट करना। तो जो ये साइज था एम्पायर का, ये टैक्स कलेक्शन के लिए होता था और इससे मतलब सफिशिएंट रहता था, मतलब और इससे ना कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं होती थी, ये एफिशिएंट भी रहता था। द एम्पायर हैड डिफरेंट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्परर वॉज मेन एडमिनिस्ट्रेटर। और जो उसकी जो फैमिली थी और उसके फैमिली के जो मेंबर्स हुआ करते, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हुआ करते थे या चीफ प्रीस्ट जैसे कि पुरोहित कहते हैं, और सेनापति या चीफ कलेक्टर, ये सब जो थे ये क्या करते थे? देवर हाईली पेड। इनको एक बहुत अच्छा पेमेंट मिला हुआ मतलब मिलता था। कौन देता था? सेंट्रल गवर्नमेंट हैड डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द मेट्रोपॉलिटन स्टेट ऑफ मगध, जो कि जो पाटलिपुत्र जो था वो क्या था? इसका कैपिटल था। देयर वर ऑल्सो मैनी डिपार्टमेंट विच हैड अ लार्ज स्टाफ ऑफ सुपरिंटेंडेंट्स और सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स, जैसे कि गोल्ड या गोल्ड स्मिथ, आर्मोरी, एग्रीकल्चर, इन सब के जो इन सब डिपार्टमेंट में जो रहते थे सुपरिंटेंडेंट्स और ऑफिसर्स, उनके लिए है ये वाली बात कि देवर लिंक टू द लोकल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब जो एम्पायर जो था वो एक तरीके से कुछ प्रोविंसेस में डिवाइडेड हुआ था। जैसे सेंटर्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वर एट प्लेसेस जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन और धौली, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोविंसेस वॉज प्लेस्ड अंडर अ मेंबर ऑफ द रॉयल फैमिली या फिर प्रिंस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर प्रोविंस जो है डिवाइडेड हुआ था किसमें? डिस्ट्रिक्ट्स में। ईच डिस्ट्रिक्ट्स इंटू अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, हर जिला जो था वो डिवाइड था किसमें? ग्रुप ऑफ विलेजेस उनको मिले हुए थे। अ स्मॉल यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एन इंडिविजुअल विलेज, हर विलेज में जो है स्मॉल यूनिट होती थी जो कि एडमिन कर, मतलब वहाँ पे जो एडमिन होते थे हर विलेज में होता था एडमिन, ठीक है। लेकिन मतलब इतना रॉयल नहीं होता था जितना कि सेंट्रल प्रोविंशियल में रहता था। अब जैसे हम लोग इस वाला जो टेबल दे रखी है इसमें जो दे रखा है कि सेंट्रल में कौन जो है एडमिन रहता था, तो एम्परर, मिनिस्टर, ऑफिसर्स और ये रॉयल फैमिली जो आप देख सकते हो इस टेबल में पिंक कलर का है, फिर उसके अंडर आता था कौन? प्रोविंशियल। फिर उसके अंडर आते थे कौन? डिस्ट्रिक्ट। तो ये ऐसा होता था, ठीक है। द ग्रुप ऑफ विलेजेस हैड अ टैक्स कलेक्टर। अब जो ग्रुप ऑफ जो विलेजेस का जो पूरा ग्रुप बना हुआ था वहाँ पे एक टैक्स कलेक्टर होता था और एक अकाउंटेंट होता था। और जो विलेज है, विलेज का जो हेडमैन है वो हर विलेज का तरफ से जो है आंसरेबल होता था कि भाई उन्होंने कितना टैक्स कलेक्ट किया, मतलब कि मतलब एक तरीके से वो भी टैक्स कलेक्टर और अकाउंटेंट होता, लेकिन वो एक ही रहता था विलेज में, तो विलेज हेडमैन है ना। नेक्स्ट है, देयर वॉज ऑल्सो स्पाई सिस्टम इन प्लेस, जैसे कि एजेंट्स है, ठीक है, डिसगाइज्ड
एजेंट डिसगाइज, जैसे कि मर्चेंट्स है, एसेटिक्स है, बैगर्स है, वुमेन स्टूडेंट्स, जो कि कहाँ आते थे एम्परर के अंदर, जो भी जो क्या करते थे, ये लोग क्या काम करते थे, ये न्यूज़ लेकर आते थे अलग अलग जगह से एम्परर में, ठीक है, या कहाँ पे क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब काम ये लोग करते थे। पीपल यूजुअली हैड टू पे फाइंस, और फिर लोगों को उसके लिए अगर से उन्होंने किसी कंप्लेन कर दी तो उनको फाइन देना पड़ता था या पनिश होना पड़ता था। लेकिन जो बट कैपिटल पनिशमेंट वॉज इन केसेस ऑफ वेरी सीरियस क्राइम, बहुत ज़्यादा ही सीरियस क्राइम है तो ही उनको जो है फाइन लगता था या ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी। नेक्स्ट टॉपिक ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में क्या है कि एग्रीकल्चर ही उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता था वैसे तो। मैनी पीपल जो थे एम्प्लॉयड रहते थे किसमें, आर्मी में, और कुछ जो थे वो किसमें काम करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, और बाकी जो बचे रहते थे वो फार्मिंग, हर्डिंग, ट्रेडिंग क्राफ्ट्स या इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, जो कि बहुत अच्छा उस वक्त चल रहा था काम, फ्लरिश मतलब कि अच्छा मतलब ग्रोइंग ट्रेड था, सिस्टम था उस वक्त। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ब्रोच, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स थे उस वक्त। जो ट्रेड जो था वो मतलब कहाँ जाता था, अलग अलग कंट्रीज में जाता था इंडिया से, जैसे श्रीलंका हो गया, रोम हो गया, इजिप्ट हो गया। अब जो है मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो इसमें क्या है कि जो मॉडर्न पीरियड में जो था बहुत ज़्यादा जो है बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हुई थी। पाटलिपुत्र एक ऐसी सिटी थी जहाँ पे मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर है, अशोका ने सेट किया हुआ था वहाँ पे क्या, स्तूपा, विहारास, रॉक पिलर्स, एडिक्ट्स अराउंड हिज एम्पायर, उसके पूरे एम्पायर के चारों तरफ। द टॉल एंड हाईली पॉलिश्ड मोनोलिथिक पिलर्स ऑफ अशोका आर वेरी इंपॉर्टेंट। द फेमस अशोका पिलर जो है वो क्या है, सारनाथ में है। दिस इज द, इसमें क्या है, लॉयन है, दिस इज द लॉयन कैपिटल विच डेपिक्स फोर लॉयन सीटेड बैक टू बैक, मतलब एक के पीछे एक बैठे हुए हैं, मतलब उनका एक तरीके से डायरेक्शन है चारों तरफ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बिलो उनके नीचे फिर क्या है, व्हील है, चक्र है, ठीक है, जिसे अशोका चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो कि व्हील ऑफ धर्म है, ठीक है। द अशोका चक्र जो है इस फाउंड, वो अशोका चक्र वही है जो कि इंडियन फ्लैग में भी है, ठीक है। एंड द सारनाथ लॉयन जो है सिंबल है किसका, नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। द एबेकस इज क्वाइट वंडरफुली कार्व्ड, जो बहुत अच्छे से कार्विंग हो रही है, बहुत सारे एनिमल्स भी जैसे कि एलिफेंट, बुल, लायन, हॉर्स, ये सब भी उस पर डेपिक्ट हैं। द अशोकन पिलर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द शेफ्ट और द लोअर पार्ट एंड द कैपिटल और द टॉप पार्ट ऑफ पिलर। द कैपिटल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, द एनिमल स्कल्पचर ऑन द टॉप, फिर एबेकस है उसमें ही लोटस भी इन्वर्टेड है। द आर्मी वर अफेक्टेड, सॉरी, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, तो कैसे कैसे ख़त्म होता गया मॉडर्न एम्पायर, तो जब जब अशोका की डेथ हुई 232 BCE में, तो उसके बाद ही जो है धीरे धीरे एम्पायर भी ख़त्म होने लग गया, क्योंकि जो उसमें जो मेंटेनेंस थी, जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस था, ट्रेड, कॉमर्स, सब कुछ जो है धीरे धीरे कम होने लग गया। जो आर्मी को उस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, ठीक है, बहुत सारे प्रोविंशियल रूलर्स जो थे वो टूट गए, वो कहीं और जाने लग गए, फिर अलग अलग एम्पायर उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, तो उस एम्पायर से वो दूर जाने लग गए थे, एक तरीके से टूट चुका था पूरा रूलर। फिर 185 BCE जो लास्ट रूलर जो था मौर्यास का, उनका नाम था बृहद्रथा, जो कि वॉज किल्ड बाय, किन्होंने मारा था, पुष्यमित्र संगा ने, और हु फाउंडेड द संगा डायनेस्टी, उन्होंने क्या खोजा, संगा डायनेस्टी बनाई अपने खुद की, अलॉन्ग विद संगास, और भी जो उनके थे संगास और बहुत सारे डायनेस्टीज, उन्होंने फिर मर्ज करी उसको लेकर के एक बनाया खुद का इंडिया में, इसको ये बोला जाता है सात वनास। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर ये मॉडर्न एम्पायर, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ से पढ़िएगा चैप्टर नंबर 8 को, द मॉडर्न एम्पायर।
और जो उसमें जो एक्सरसाइजेज है वो भी एक बार खुद से करके देखिएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूँगी आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ PDF। थैंक यू।